हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग मस्त हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कैल्पिंग में आप कैसे परफेक्ट ट्रेड लेके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। एंड अगर आपके पास कैपिटल बहुत छोटा है, जैसे कि आप बोल रहे हो 10,000 रुपीज़ है, 20,000 है, या फिर लेस देन 50,000 है, यानी कि 50,000 से कम पैसा है, तो आपको स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए। अब आपको मैं बोलूँगा, अगर आपके पास 10 या 20,000 है तो इसको आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मैं एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, उसको आप फॉलो करना। एंड ये स्ट्रेटेजी उनके लिए जिन्होंने आज तक बहुत सारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखी है, यूज़ की है, लेकिन उनका कैपिटल ग्रो नहीं हो पा रहा है। एट द एंड क्या हो रहा है, ये जीरो हो जाता है। पहले मान लो 10K का आपका 15K हो गया, 20K हो गया, या फिर 50K भी हो गया, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आपका वापस ये जीरो हो जाता है। सो जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, वो सब कुछ आप ध्यान से सुनो, इसके नोट्स भी बना सकते हो, एंड अगर आपने एग्जैक्ट फॉलो किया ना, तो आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका 2 दिन में कैपिटल जीरो हो जाएगा, लेकिन इतना तो आपको बोल सकता हूँ कि 30 दिन में, सिर्फ 30 दिन में आपका 10,000 का कैपिटल 50,000 जरूर हो जाएगा। एंड ये जो 50,000 है, ये सिर्फ मैं प्रॉफिट का बोल रहा हूँ, रियलाइज प्रॉफिट। आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो सब अलग से होने वाले हैं। इसका मतलब आप प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन सब कुछ ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस निकालने के बाद भी 50,000 प्रॉफिट में रह सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे जानबूझ के टाइम फ्रेम ज़्यादा दिया है, जो कि 30 दिन का है। एक्चुअली मैं ये 15-20 दिन में भी हो जाता है, मैंने खुद ने किया है, आपके सामने मैंने बहुत सारे वीडियो बना के दिखाया भी है। एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आज से 6 महीने पहले मैंने एक लाइव ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को यूज़ करके विद इन 20 डेज, लेस देन 20 डेज में 5K कैपिटल को मैंने 35K बनाया था। सोचो, अगर मैं 5,000 का कैपिटल 35,000 बना सकता हूँ लेस देन 20 डेज, तो आप तो यहाँ पे 20,000 या फिर 10,000 भी यूज़ करो, जो मेरे कैपिटल का डबल ही है, इसका तो आराम से 50,000 बन जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मेरा होना चाहिए 70,000, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 50,000 ही किया। सो आप समझ सकते हो, जो मैं बताने वाला हूँ उसको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा कैपिटल बना सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होने वाला है वो होंगे रूल्स। वो रूल्स कुछ बड़े नहीं है, लेकिन जो भी है आपको उसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मार्केट में मोर देन 6 मंथ हो, तो अब तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट बनाने के लिए स्ट्रेटेजी का इतना रोल नहीं होता है। जो 90% रोल होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड आपका रिस्क अपेटाइट। ये सब डिसाइड करते हैं कि आप मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बना के निकलोगे या फिर मार्केट को देख के निकलोगे। सो वो स्ट्रेटेजी क्या है, देखो आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं ना, उसको आप कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ेगा, एंड आपको जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। क्या करना है, आपको चार्ट के ऊपर सिंपली 9 EMA लगाना है, ठीक है। अब कुछ लोग इसका 10 EMA भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग 11 EMA भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग 8 EMA भी यूज़ करते हैं, तो इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। लेकिन जितने भी ब्रोकर होते हैं, अगर आप वहाँ पे EMA लगाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको 9 EMA दिखाई देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये यूज़ करते हैं, तो आप भी 9 EMA के साथ में ही जाओ। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलो आपने चार्ट लगाया एंड 9 EMA कुछ इस तरह से जा रहा है, तो आपने क्या करना है, 5 मिनट चार्ट लगाना है, एंड 5 मिनट चार्ट पे आपको देखना है कि मार्केट एक बार थोड़ा ऊपर घूम के आया है एंड 9 EMA के पास में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 5 मिनट चार्ट पे हो गया। आपको यहाँ पे अभी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना है, सिर्फ 9 EMA के ऊपर देखना है कि यहाँ कहीं पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये आपने देखा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब आपको क्या करना है, आपको चेंज कर लेना है टाइम फ्रेम 1 मिनट पे, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले मैंने 5 मिनट पे ये देखा, अब मैं आ रहा हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड यहाँ पे भी आपको उस टाइम का वेट करना है जब 9 EMA कुछ इस तरह का रहेगा, एंड आपको 9 EMA के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखे, या फिर 9 EMA के ऊपर ही यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिख जाए, वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको बस कुछ नहीं करना है, इसी जगह पे आप बाइंग कर सकते हो, कॉल बाइंग, एंड सेम कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहने वाला है। आपने क्या किया है, यहाँ पे बाइंग किया है एंड इसी कैंडल का लो आपने स्टॉप लॉस लगा लिया है, एंड टारगेट कितना होगा, नेक्स्ट कैंडल जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली है, इसी कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एग्जिट मार देना है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इस ट्रेड के अंदर मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात नहीं की है। मैंने क्या किया, इस कैंडल का जो कैंडल आपने एंट्री ले रहे हो, उसके प्रीवियस कैंडल जो आपने देखा है, इसके लो का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, एंड जिस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई उसकी क्लोजिंग पे या फिर थोड़ा बहुत एकदम ऊपर निकल गया, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात नहीं हो रही। कभी कभार आपको 1:1 मिलेगा, कभी कभी 1:2 मिलेगा, कभी कभी आपको 2:1, ये जो उल्टा हो गया, आप 2 रुपये का रिस्क ले रहे हो लेकिन 1 रुपये का टारगेट ले रहे हो, ये सब भी आपको होगा एंड स्कैल्पिंग में होता है।
बस आप इस चीज़ को फॉलो करो, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई है। जब भी 9 EMA के ऊपर मार्केट आता है तो एक शार्प ऊपर की तरफ मोमेंटम देता ही देता है। आप बोलो अगर 10 में से 2 या 3 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, आपको वो एक्सेप्ट करना है। एंड बाकी के आप बोल सकते हो 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे एंड आप प्रॉफिट में रह जाओगे एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। बस आपको यहाँ पे 5 मिनट का गेम है एंड आपका प्रॉफिट में रहेगा। अब आप बोलोगे सर इतना आसान है तो मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस में क्यों होते हैं? उनका रीज़न ये है, देखो मैंने आपको यहाँ पे कहा ना इस कैंडल के लो का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बस वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा नीचे आने के बाद शायद मार्केट ऊपर चला जाए एंड शायद के चक्कर में मार्केट नीचे ही आ जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न लॉस होने का है स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करना। एंड आप सभी को पता है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़ रहने दो दुनिया में, जो भी चीज़ है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 50% तो होता ही है। आप चाहे गैम्बलिंग भी कर लो कैसीनो में जाके, वहाँ पे 50% होता है। लेकिन आपने तो सुना है सेबी बोलती है 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में 50-50 होना चाहिए ना। इसका रीज़न यही है कि भाई ये लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। अब आपके पास देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करने के लिए जगह है, प्लस मैंने आपको इतना बोल दिया 9 EMA के ऊपर मार्केट हमेशा मोमेंटम दिखाता है, तो भाई आपके पास तो मोर देन 60% 70% चांस है आप प्रॉफिट में रहोगे। तो जो बेस्ट आप बोल सकते हो, मैं आपको एडवाइस दूंगा, वो है प्रॉफिट बनाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि स्टॉप लॉस को फॉलो करना। एंड मैं चाहता हूँ कि मंडे से सभी लोग इस चीज़ को ट्राई करो एंड हर दिन कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि सर हाँ आज ये स्ट्रेटेजी काम की है, कल काम की है, परसों काम की है, एंड दिन में कितनी बार ट्रेड मिल रहे हैं, आप कितनी ट्रेड ले पाए हो, कितना स्टॉप लॉस हुआ। अगर आप यहाँ पे ये बैक टेस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिख पाओगे, इसका मतलब आप सीरियस हो एंड आपको प्रॉफिट बनाने से कोई रोक नहीं सकता। एंड ये स्ट्रेटेजी आपके साथ मैं फर्स्ट टाइम शेयर नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है आप लोग बताना, मैं 3rd या 4th टाइम ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। एंड अगर सभी लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो अभी मैक्सिमम मेरी ऑडियंस प्रॉफिटेबल होती, लेकिन कोई यूज़ नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ ताकि हर बार बताने से कोई एक बंदा भी इसको यूज़ कर ले तो शायद वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। एंड आई नो मैं जो भी बोलता हूँ थोड़ा ज़्यादा ही सच बोल देता हूँ एंड कड़वा लगता भी है बहुत सारे लोगों को, बट आई एम श्योर मेरी ऑडियंस काफ़ी अच्छी है एंड आप लोग मानते हो, आप लोग सच्चाई का साथ देते हो, इसलिए यार ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, कॉल एंड टिप्स के पीछे मत भागो। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हर दिन इंस्टाग्राम DM में ये आते हैं, सीधा पूछते हैं सर हमें बता दो कौन सा कॉल ऊपर जाने वाला है, कौन सा पुट नीचे जाने वाला है, कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, सीधा बता दो। फिर उनको बोलता हूँ कि आप मेरा वो वीडियो देखो, मैंने उस पर सिखाया है, तो बोलते हैं नहीं सर हमको वो समझ में नहीं आया, सीधा स्टॉक का नाम बता दो। तो यार ऐसे थोड़ी प्रॉफिट होगा। बाकी मैंने आपके साथ फुल स्टॉक मार्केट सीरीज स्टार्ट की थी एंड ख़त्म भी हो गई है, आप उस सीरीज़ को देखो, आपको A to Z मैंने सब कुछ सिखा दिया स्टॉक मार्केट के बारे में। एंड अगर आपने अच्छे से देखा है, नोट्स बनाया ना, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें शेयर की जो मैं खुद करता हूँ। एंड जब मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ तो आप क्यों नहीं बना पाओगे? बस एक बार सारे रूल्स को फॉलो करो, आपके भी प्रॉफिट्स जरूर होंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने लोग इस स्ट्रेटेजी को ट्राई करने वाले हैं एंड कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाने वाले हैं। एंड आप सभी जानते हो कि स्कैल्पिंग करके आप कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 30 डेज, भाई 30 डेज की जरूरत नहीं है, 15 दिन के अंदर भी आपका कैपिटल 50,000 बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा।